바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 맘 다 들킬까봐 도망가버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं शिवजी और माँ गौरी हम सभी का मंगल करें। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग आज मैं कर रही हूँ अपने मंदिर से और आज करूँगी अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग और आज हरियाली तीज है तो इसी के अकॉर्डिंग आज अपने मंदिर का डेकोरेशन भी करूँगी। वैसे तो डेली ही मंदिर की क्लीनिंग होती है, डेली ही पूजा होती है, लेकिन इस तरह की डीप क्लीनिंग अक्सर हम ऑकेशनली ही कर पाते हैं और करनी भी चाहिए क्योंकि किसी भी शुभ दिन पर जब हम अपने घर को साफ करना नहीं भूलते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज करना नहीं भूलते हैं तो मंदिर को ही क्यों भूलना। तो जैसे हम अपने घर की साफ सफाइयां करते हैं ना, ऐसे एक बार मंदिर की भी डीप क्लीनिंग जरूर कर देनी चाहिए किसी भी फेस्टिवल से पहले। और अब तो वैसे भी बैक टू बैक फेस्टिवल आने वाले हैं तो ऐसे में अगर आप एक बार अपने मंदिर को अच्छे से क्लीन कर दोगे ना तो आने वाले सारे फेस्टिवल आपके बहुत अच्छे निकलते हैं। और मंदिर की डीप क्लीनिंग करने से, मंदिर को अच्छी तरह से डेकोरेट करके रखने से आप खुद के अंदर काफी पॉजिटिव वाइब्रेशन फील करोगे। अगर ना हो तो एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। डेली दीपक जलाने से, डेली अगरबत्तियां लगाने से मंदिर में ना काफी कालापन जमा हो जाता है और काफी सारे घी के और ना ग्रीसी ग्रीसी यहाँ पे निशान भी आ जाते हैं। अगर आपका मंदिर मार्बल का बना हुआ है तब तो ये निशान इजीली निकल जाते हैं, बट आपका मंदिर भी मेरी तरह लकड़ी का बना हुआ है ना तो आपने नोटिस किया होगा कि लकड़ी इनको ना अंदर तक ऑब्जर्व कर लेती है और ये जल्दी से नहीं निकलते हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने मंदिर को पेंट करूंगी और इसका मेकओवर करूंगी, बट पेंट का मुझे टाइम ही नहीं मिला और जब तक ना फेस्टिवल्स स्टार्ट हो चुके थे। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ एक टेम्परेरी जुगाड़, तो मैंने यहाँ पे ना ये गिफ्ट रैप पेपर लिया है और इसकी हेल्प से मैं इन सारे निशानों को कवर कर रही हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे इनको स्टिक कर दूंगी। पर फॉर श्योर मैं फेस्टिवल्स के बाद में अपने मंदिर पर पेंट करूंगी और बहुत अच्छे से इसको परमानेंटली मेकओवर लुक दूंगी। और अभी मैंने यहाँ पे ना सेग्रेट कर लिए हैं भगवान को और पूजा के बर्तनों को। जितने भी तांबे और पीतल के बर्तन होते हैं ना पूजा में, इनको साफ करने के लिए मैं हमेशा पीतांबरी का यूज करती हूँ, लेकिन पीतांबरी से कभी भी मैं भगवान को साफ नहीं करती हूँ। उनके लिए क्या यूज करती हूँ वो भी आपको जरूर बताऊंगी आगे। तो पीतांबरी को यूज करने का बेस्ट तरीका है, 2 मिनट के लिए आप इसको लीजिए और अच्छे से घिस दीजिए जहां भी आपको लगाना है, बट इसे अप्लाई करने से पहले ग्लव जरूर पहन लेना क्योंकि ये ना आपके हाथों को काफी काला कर देता है, बट ये बहुत अच्छी शाइन लेके आता है आपके पूजा के बर्तनों में। और भगवान को साफ करने के लिए मैं किसी भी तरह के केमिकल प्रोडक्ट का यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीजें मैं खुद अप्लाई नहीं कर सकती अपनी स्किन पर वो मैं भगवान को कैसे लगा सकती हूँ। ये इससे मेरी आस्था जुड़ी है, दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं है। तो ज़्यादातर मैं किचन के ही सामान का यूज़ करती हूँ भगवान को नहलाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है दही और दही में मैंने डाला है थोड़ा सा बेसन और इसका एक तरह से ना उपटन टाइप का आपको बनाना है। तो जैसे आप सबको पता है कि जो खट्टी दही होती है ना, इससे जो पीतल की मूर्तियाँ होती हैं उसमें काफ़ी अच्छी शाइन आती है। और अगर ये भी आपके पास ना हो तो आप कच्चे दूध से भी मूर्तियों को साफ़ कर सकते हैं, आपकी मूर्तियाँ बहुत अच्छे से चमक जाएंगी और कहीं ना कहीं आपकी जो आस्था है ना इनके प्रति वो भी सिक्योर रहेगी। अब क्योंकि मंदिर में मैंने इस बार पेपर का यूज़ किया है डेकोरेट करने के लिए, तो इसको गीला होने से बचाने के लिए मैं यहाँ पे प्लास्टिक फिल्म का यूज़ कर रही हूँ। और अब सारे भगवानों को मैं यहाँ पे विराजमान कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल का झूला यहाँ पे रख दिया है और अपने कान्हा जी को बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। और ये जो ड्रेस है वो मैंने खुद ही बनाई थी, हर साल खुद ही बनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है ये सारे काम करना। और जब खुद से इस तरह से ड्रेसेस बनाते हैं या फिर तैयार करते हैं ना लड्डू गोपाल को या भगवान को, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती हैं। और सारे काम करने के बाद अब मैं खुद भी यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और मैंने ये वाली साड़ी आज वेयर की है, ऑनलाइन इसको परचेज किया था, बहुत पसंद है मुझे। और इसके साथ में मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के कंगन भी पहन लिए हैं और लास्ट टाइम मैंने मेहंदी लगाई थी उसका कलर भी अभी काफ़ी अच्छा आ चुका है। और इसके साथ ही ना मैंने यहाँ पे प्लेट्स भी लगा ली हैं पूजा की, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में ना श्रृंगार का सारा सामान ले लिया है और लड्डू गोपाल की ड्रेस से मैच करते हुए मैंने यहाँ पे ना सारे भगवान की ड्रेस बनाई है और देवी माँ की ड्रेस भी मैंने यहाँ पे बना ली है।
है। श्रृंगार में आप जो भी चीज़ें ले सकते हो ना, ले लेना यहाँ पे, क्योंकि देवी माँ पे सारा श्रृंगार आज के दिन चढ़ाया जाता है। साथ में मैंने यहाँ पे फल ले लिए हैं, फूल ले लिए हैं और थोड़ी सी मिठाई ले ली है, जिसे मैंने घर पर ही बनाया था। शिव जी पे चढ़ाने के लिए बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल अगर आपके पास हों तो आप ज़रूर ले लेना। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ बंधन बार। तो बंधन बार के बिना ना मुझे कोई भी फेस्टिवल पता नहीं क्यों थोड़ा अधूरा सा लगता है। बंधन बार अगर आप लगाते हैं ना तो बहुत अच्छी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं आपके घर में, आपके घर के एनवायरनमेंट को ये काफ़ी अच्छा बनाता है। बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं इसको लगाने के बाद में। और क्योंकि हरियाली तीज का डेकोरेशन कर रही हूँ तो मुझे कुछ हरा डेकोर भी चाहिए था, तो मैं इसीलिए यहाँ पर ना एक पूरी की पूरी माला बना लूँगी इन्हीं पत्तों की। और इनको मैंने कुछ ना जिगजैग करके फोल्ड किया है, तो इसमें बहुत ही अच्छा डिज़ाइन निकल क्या आ गया है। वैसे तो हरियाली तीज को सेलिब्रेट करने के कोई फिक्स रूल्स नहीं है, कोई ऐसे नियम नहीं है कि आपको यही करना है, लेकिन हाँ एक चीज़ इसमें ज़रूर फिक्स होती है और वो होती है शिव और गौरी का पूजन। तो शिव जी तो मेरे पास हैं शिवलिंग के रूप में, लेकिन गौरी जी मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ माँ का एक स्वरूप हमेशा मैं अपने साथ रखती हूँ और वो हैं लक्ष्मी जी। और मुझे ऐसा लगता है कि माँ किसी भी रूप में आपके साथ हो, माँ माँ ही होती हैं। तो मैं यहाँ पर शिव जी का पूजन करती हूँ और देवी माँ के रूप में जो भी श्रृंगार मुझे यहाँ पे चढ़ाना होता है वो मैं लक्ष्मी जी को अर्पण कर देती हूँ। हर साल इसी तरह से सेलिब्रेट करती हूँ तीज को, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और सारा श्रृंगार करने के बाद में देखो ना देवी माँ कितनी सुंदर लग रही हैं। खासियत यह है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूजा के लिए जो भी सामान आपको चाहिए वो मैक्सिमम आपको घर पे ही मिल जाता है। आरती भी आप जो रेगुलर डेज पे करते हो ना, वही आरती आप यहाँ पे कर सकते हो। बहुत साधारण लेकिन बहुत सुंदर तरीके से पूजा होती है तीज की। और यहाँ पे मैंने आरती कंप्लीट कर ली है, और मैं ना आरती के साथ में थोड़ी सी क्षमा याचना भी करती हूँ भगवान से, क्योंकि कितने भी हम नियम फॉलो कर लें लेकिन कहीं ना कहीं हमसे ना पूजा पाठ में थोड़ी सी भूल चूक तो हो ही जाती है, तो उसकी माफ़ी मैं यहाँ पर ज़रूर मांगती हूँ। और अभी दोपहर का टाइम हो गया था, करीब 12 बजे का टाइम था यहाँ पर, और अभी मैं आ गई हूँ लंच की तैयारियाँ करने। तो आज लंच में मैंने बनाया है पक्का खाना, और खाने में आज बनाया है मैंने छोले भटूरे, और छोले भटूरे साथ में दही और चावल। तो ये आज का मेन्यू था। तो सबसे पहले भगवान की थाली निकाल दी है और भोग जाएगा ठाकुर जी के लिए। उसके बाद में यहाँ पे हम सब ने खाना खाया और काफ़ी अच्छे और चटपटे बने थे। और आज है तीज, तो तीज के लिए वैसे तो मैं प्रॉपर कोई व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि 12 बजे से पहले मैं कुछ भी ना खाऊँ पीऊँ। और इसीलिए ना मॉर्निंग का जितना टाइम होता है मैं सारा अपने मंदिर की क्लीनिंग में, भगवान को सजाने में ही निकालती हूँ, और उसके बाद ही कुछ खाना मैं प्रेफर करती हूँ। और अभी करीब दोपहर के 3 बजे रहे हैं, और हमको आज शाम को मंदिर जाना था दर्शन के लिए, और उसके लिए मुझे बनानी थी यहाँ पर मिठाई भी भोग लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज मोहन थाल, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप बेसन, और जिस कप से बेसन को आपने नापा है ना उसी कप से आपको पूरी रेसिपी को मेज़र करना है। तो 2 कप बेसन लेने के बाद में मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच इसमें देसी घी डाला है, और 3-4 चम्मच दूध का डाल करके इसको हाथों से अच्छे से रगड़ लिया है। और अब इसमें ना यहाँ पर काफ़ी सारे मोटे मोटे डेले आपको नजर आने लग जाएंगे, तो इसको अब आपको ना एक मोटी छलनी से इस तरह से छान लेना है, जिससे क्या होगा जितने भी जो इसमें डेले पड़ गए थे ना वो सारे यहाँ पे इवन हो जाएंगे, और इस तरह से ना कुछ सूजी जैसा टेक्सचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली आपका जो बेसन है ना वो आपको एकदम दानेदार बनाना है, जितना दानेदार आपका बेसन होगा उतना ही अच्छा मोहन थाल बनकर के रेडी होगा। अब इसको कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए आप रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए, ऐसा करने से जो आपके बेसन में जो दाने पड़ते हैं ना वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, बेसन फूल जाता है। और 10-15 मिनट रेस्ट के बाद में अब हमें अपने बेसन को भूनना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे ना 1/2 कप घी का यूज़ किया था बेसन को भूनने के लिए, और अच्छी तरह से जब बेसन भुन जाएगा चारों तरफ इसकी स्मेल आने लग जाएगी, और थोड़ा थोड़ा ना आपको लगेगा इसमें जो घी है वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस स्टेज पर मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेरे पास 1/2 कप यहाँ पर मलाई थी, तो मैंने 1/2 कप मलाई ली है और 1/2 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है। तो आप यहाँ पर चाहें तो 1 कप भर के मलाई डाल सकते हैं, और अगर मलाई नहीं है तो पूरा का पूरा आप यहाँ पे ना
दूध भी डाल सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है, कुछ भी करोगे टेस्ट इसका अच्छा ही आएगा। और फिर से इसकी भुनाई यहाँ पे करनी है, तो करीब आपको यहाँ पे 30 से 35 मिनट आराम से लग जाएंगे इसकी भुनाई करने में। और यहाँ पे भी तब तक भुनना है जब तक इसमें से जो घी है वो सेपरेट ना होने लग जाए। और जैसे ही घी बेसन से अलग होने लग जाएगा और बेसन की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी पतली हो जाएगी, तो यहाँ पर आके आप गैस को ऑफ कर सकते हैं। अब बनानी है हमें इसके लिए चाशनी, तो चाशनी के लिए जिस बोल से मैंने यहाँ पर मेज़र किया था ना अपने बेसन को, उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो 2 कप बेसन के लिए 1 कप शुगर आपको लेनी है और उसमें 1/2 कप पानी मिला के हमें यहाँ पे चाशनी रेडी करनी है। तो मोहन थाल के जो सीक्रेट्स होते हैं वो बस यही होते हैं, एक तो आपके बेसन में रवा बहुत अच्छा बनना चाहिए, सेकंड बेसन की जो भुनाई है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और थर्ड है आपके जो चाशनी आप बना रहे हो वो कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो चाशनी मैं बनाती हूँ और जिससे बहुत ही अच्छा मोहन थाल बनता है वो है 1 तार की चाशनी। और लेकिन तार जो होता है ना वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और उसका जो धागा है वो थोड़ा लंबा ऊपर जाना चाहिए। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको मिलती है तो फटाफट गैस को ऑफ कर दीजिए और जो चाशनी है उसको अब हम जल्दी से अपने मोहन थाल में मिला लेंगे। और चाशनी बनने से पहले थाली को, एक थाली को आप ग्रीस करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि चाशनी जैसे ही हमारी इसमें हम मिक्स करते हैं ना ये फटाफट से जमना स्टार्ट कर देता है। और अब इसमें डालनी है इलायची, इलायची डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके आप थाली में फैला दीजिए और यहाँ पर अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल करके इसको अच्छे से जमा दीजिए। 5 से 6 घंटे के लिए आप इसको अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ दीजिए, अच्छी बर्फ़ी इसकी बन जाती है। और गर्म गर्म जब ये था तभी मैं इसमें कट लगा देती हूँ, और क्योंकि मुझे तो शाम को मंदिर जाना था इसीलिए मैं तो आपको 3 घंटे बाद ही इसे कट करके दिखा रही हूँ। तो 3 घंटे में ही इतना अच्छा सा ये सेट हो गया है और आप देख सकते हो इसका जो टेक्सचर है वो कितना बढ़िया आया है। अब घर में बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें हम देसी घी के साथ बनाते हैं, तो एक तो ये हेल्दी होती हैं, दूसरा इनके अंदर बड़ी प्यारी सी शाइन आ जाती है। और तोड़ के भी आपको मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा रवा इसके अंदर बैठा है। और महीने भर तक आप ना बेसन की जो मिठाइयाँ होती हैं इनको स्टोर करके रख सकते हो, ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। अभी हम आ चुके हैं मंदिर और अभी हो रहे थे शाम के 6:30, क्योंकि 7 बजे आरती का टाइम होता है, तो इस टाइम मंदिरों के अंदर ना आरती की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो, लेकिन मेरा फेस्टिवल सेलिब्रेशन का जो ये वाला तरीका होता है ना मंदिर दर्शन के लिए जाना, ये लगभग सेम ही होता है। कोई भी त्यौहार हो मंदिर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आरती की तैयारियाँ चल रही हैं आप देख सकते हो। तो आज हम आए हैं दुर्गा जी के मंदिर लुधियाना में, बहुत ही बड़ा और बहुत सुंदर बना हुआ है ये मंदिर। अगर आप लुधियाना से बिलोंग करते हो तो आपने ये मंदिर ज़रूर देखा होगा, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर के। जब भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पर, और बच्चे यहाँ पर बहुत मज़े भी करते हैं, मन को शांति मिलती है इस मंदिर में आके। और कुछ इसी तरह से मैंने सेलिब्रेट किया है अपना 30 का दिन। तो कैसा लगा आपको मेरा ये हरियाली 30 वाला ब्लॉग, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी चीज़ आपको आज पसंद आई है या फिर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर लेना, और पहली बार अगर आप आए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट।